बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। आज का जो प्रश्न है वो ये है, नमस्ते भैया जी, मेरा नाम कुसुम है और मेरी एक समस्या है कि मेरे अपने पति से बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है छोटी छोटी बातों पर, और यह सब 2 साल से ज़्यादा हो रहा है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई ज़्यादा हो रही है 2 साल से, और मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे भी हैं। इसके लिए मैं क्या करूँ, प्लीज़ आप बताइए। मैं आपकी काफ़ी वीडियो देखती हूँ, तो पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कुसुम जी आपका कि आप हमारी इतनी वीडियो देखते हैं, और भोले बाबा जी का कि आपने इस लायक समझा हमें कि हम आपको कुछ राय दे पाएँ। तो एक विचार वाली बात है, हम अपने विचार रखेंगे, उस चीज़ से आपको कितना समझ आता है या कितनी हेल्प मिलती है ये तो आप देख पाएंगे। तो विचार की बात यह है कि पहली बात तो लड़ाई नहीं कह सकते कि लड़ाई बहुत बड़ा वर्ड है, हम तो ये कहें कि जहाँ हमारे विचार नहीं मिलते हैं वहाँ दिक्कत आती है। लेकिन इसमें आपने बताया, अच्छा कि आपने बहुत खुल के बताया हुआ कि ये 2 साल से हुआ है, तो हो सकता है कि उससे पहले नहीं था, तो 2 साल में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बदली हों, कोई ऐसे आपके अंदर कुछ चेंजेस आए, उनके अंदर कुछ चेंजेस आए हों, घर की परिस्थितियाँ ऐसी कोई बदली हों जिसकी ऐसे ऐसा हुआ होगा। तो अगर बात करें, जहाँ भी लंबे समय तक कोई भी, चाहे वो दोस्त हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे परिवार हो, तो छोटी मोटी विचारों को लेके सोच चेंज होती रहती है। तो उसमें कई बार हमें उनके विचार अच्छे लगते, कई बार उन्हें हमें विचार अच्छे लगते, तो उस बात पे ये चीज़ें छोटी मोटी बहस हमारी चलती रहती है, और कई बार अगर उस बहस को ज़्यादा बढ़ाया जाए तो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा रूप भी ले लेती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, कई बार यह होता है कि जिस भी इंसान पर हमें भरोसा है, वो चाहे गलत भी कर रहा है या कुछ और भी कह रहा है, तो उसकी बात हमें सही लगती है। सबसे पहली बात तो है कि आप दोनों को आपस में भरोसा बनाना पड़ेगा, जहाँ भी है। ये घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अगर आप ऑफिस में भी हैं, दोस्तों के साथ भी हैं, पर अगर सारी बात ना करके जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दिया जाए, तो हम घर की बात करते हैं। तो जो पति पत्नी का रिश्ता है उसमें एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, कि अगर जो मेरी वाइफ कह रही है वो मुझे मानना चाहिए कि हाँ भैया ठीक कह रही है, जो पति कह रहा है वो भी वाइफ़ को मानना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, कई बार क्या होता है उन्होंने अपनी बात रखी, अब हो सकता है कि वो इतना सही ना कह रहे हों, आप उनसे ज़्यादा अच्छा कह रहे हो, लेकिन उस टाइम तो उन्हें ये लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो मेरी बात सुनी क्यों नहीं जा रही। तो उस टाइम कई बार लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने चाहिए, कई बार उन्हें करने चाहिए, क्योंकि थोड़ा समझना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर चुप ही रहेंगे या उन्होंने कोई बात कही हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही उससे कोई बड़ा छोटा बनने वाला है कि मैंने उनकी बात सुन ली तो मैं छोटी बन गई, या मैंने अपनी वाइफ की बात सुन ली और तो मैं छोटा बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दोनों की सोच एक जैसे कई बार नहीं मिलती है तो ये दिक्कत आ जाती है। कई बार क्या होता है, आपको ये भी होना चाहिए कि जो आपके घर की बातें हैं वो आपको घर में ही रखनी चाहिए, और वो घर से बाहर किसी और को नहीं बतानी चाहिए, ताकि कोई उसका फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आपको कोई भी प्रेम कर लेगा, अच्छी बातें कर लेगा, लेकिन लाइफ टाइम के लिए जो आपका मतलब लाइफ पार्टनर है वही आपको अच्छे से रहना है। आपको 6 साल से आप रह रहे हो, अगर 6 साल से ऐसा नहीं हुआ तो कोई ना कोई परिस्थिति चेंज हुई होगी। तो इसके लिए अभी मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको सुना देता हूँ, उससे शायद आपको भी हेल्प मिल जाए। एक बारी एक वाइफ होती है और एक हस्बैंड होते हैं, उन दोनों की काफ़ी लड़ाई हुआ करती थी आपस में, दोनों परेशान, दोनों प्यार भी बहुत करते थे दूसरे को, बहुत ज़्यादा परेशान कि क्या करें क्या ना करें यार, रोज़ लड़ाई, रोज़ चिकचिकबाजी। जैसे घर पहुँचते हैं, एक कोई बात बोलता है सामने वाला आगे से 4 बात बोलता है, सामने वाला 4 बोलता है वो 8 बोलता है, तो अंत ही नहीं होता था, रात को सोने तक का टाइम होता था, लेकिन उनकी बहस ख़त्म नहीं होती थी। तो वाइफ बड़ी परेशान होकर एक किसी साधु संत के पास जाती हैं, आखिरी में ऑप्शन यही बचते हैं कि भैया क्या करें समझ नहीं आ रहा, और घर में किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, ये तो नहीं हो गया वो तो नहीं हो गया, और साधु जी के पास जाती हैं। साधु जी भी बड़े समझदार होते हैं, वो कहते हैं क्या समस्या है, बोला ऐसे जी मेरे पति जी घर में घुसते हैं और कुछ भी बोलते हैं, लड़ाई शुरू होती है और रात तक मतलब चुप नहीं होते, जब ऑफिस नहीं जाते, वो बड़ी परेशान हूँ मैं, बड़ी परेशान हूँ। साधु कहते हैं ठीक है भैया आपकी परेशानी, मेरे पास का इलाज है, मैं आपको एक ताबीज़ बना के देता हूँ। तो साधु उस औरत को एक ताबीज़ बना के देते हैं और कहते हैं इस ताबीज़ का इस्तेमाल जैसे ही पति ऑफिस से आने वाले हों आपको अपने राइट दांत नीचे दबा लेना है, जो आपकी मतलब पीछे वाले दांत होते हैं ना, जो पीछे वाले दांत होते हैं उसके पीछे ज़ोर से दबा लेना है, और आपको जब तक वो सोए ना जब तक आपको दबा के रखना है, और जैसे वो बोलें उसको और दबा के रखना है, आप निकाल सकते हो बीच बीच में, लेकिन जैसे वो बोलना शुरू करें आपको दबा लेना है ये। बोला इससे फ़र्क पड़ेगा बाबा जी? बोला पक्का फ़र्क पड़ेगा, आप ले जाओ ताबीज़। वो ताबीज़ बना के देते हैं और वो कहती है कि आज से शुरू करती हूँ मैं, और जैसे ही पति जी का आने का टाइम होता है घर,
बजते हैं, 5 या 6 बजते हैं, वो ताबीज़ लेती हैं, दांत से संभालती हैं। अब पति रोज़ का रूटीन था, यह करते करते दो दो तीन महीने हो गए थे। एक्चुअली क्या था, जो चीज़ें हम कंटिन्यू करते रहते हैं वो हमारी हैबिट में आ जाती हैं। वो गेट खोलते ही, इतनी लेट गेट खोलती हो, तुम्हें अकल नहीं है, बंदा ड्यूटी से आ रहा है, कब तक खड़ा रहेगा। उन्होंने ताबीज़ दबाया होता है, फिर चुपचाप फिर अंदर आते हैं, पानी ऐसा दे दिया, जल्दी चाय बनाओ, ये लाइट क्यों जल रही है, टीवी क्यों चला रखा है, बच्चे कहाँ हैं, ये सब चीज़ें उनकी डेली रूटीन की थी, जो उनका आते ही रूटीन बन गया था 2 महीने से। तो उनको नेचर था उनका, वो बोलते रहे, लेकिन वहाँ से सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो ऐसे करते करते 2-3 दिन हुए, धीरे धीरे पति भी शांत हो गए कि सामने से कोई आवाज़ तो आ नहीं रही। और जो लेडी थी वो बहुत खुश हुई कि बाबा के ताबीज़ में इतनी ताकत है कि हमारी लड़ाई बंद करा दी। वो अगले दिन बाबा के पास जाती हैं, मतलब 2-3 दिन के बाद बाबा जी के पास जाती हैं कि बाबा जी, जो आपने ताबीज़ दिया था ना, इसमें तो बहुत ताकत है, हमारी लड़ाई होनी बंद हो गई। अब वो प्यार से आते हैं, शांति से बैठते हैं, मैंने चाय भी देती हूँ, पानी भी देती हूँ, और बहुत कुछ हमारे बीच में शांति से सो भी जाते हैं, सो ऑफिस चले जाते हैं, हमारे बीच में कोई दोनों बीच में लड़ाई नहीं होती अब। तो बाबा जी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये बात प्यार से समझाता या बहुत समझाता तो मैं समझ नहीं आती, ताबीज़ में कोई ताकत नहीं है, ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको मैंने आपको कपड़े में लपेट के दे दिया। ताकत तो आपकी ज़ुबान में है, जब भी आपके पति आपके घर में आते हैं तो आप अपनी ज़ुबान बंद कर लेते हैं, क्योंकि आपका मुंह बंद रहेगा तो ताबीज़ दबा रहेगा। और आपको मैंने कहा ताबीज़ दबा, जब ताबीज़ दबा रहेगा, मुंह ही नहीं खुलेगा, तो सामने वाला चाहे, ये मैं स्पेशली लेडीज़ के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप ये बात ध्यान रखना, ये मतलब पतियों के लिए भी है कि अगर सामने से हमारी वाइफ कोई कमेंट कर रही है, 1 बारी 2 बारी 3 बारी, अगर उसका हम रिप्लाई नहीं करेंगे तो सामने वाला बंदा कब तक करेगा। ऐसे ही ऑफिस में भी है, कहीं पे भी जो आदमी आपको परेशान करना चाहते हैं वो आपको ऐसे छोटे छोटे कमेंट हमेशा करते रहेंगे, या लड़ाई करना चाहते हैं, या कईयों का नेचर होता है कि किसी चीज़ को बार बार बोलना है आपको, बार बार बोलना है, तो ऐसा चलता रहेगा। लेकिन बोलते अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो एक इंसान कब तक बोलेगा, क्योंकि उसको तो अपनी खुराक चाहिए ना। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि तुम पागल हो, तुमने ये कर दिया, तो आप सामने कहोगे नहीं नहीं मैं पागल नहीं हूँ, नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया, उसने किया है, तो फिर आगे बात से बात बढ़ेगी। अगर मैं कह रहा हूँ तुम पागल हो, तुम शांत हो, उसके मेरे पास जवाब ही नहीं है, मैं 2 बारी बोलूँगा 3 बारी बोलूँगा, उसके बाद चुप हो जाऊँगा। लेकिन अगर आपसे सामने से कोई रिप्लाई किया तो वो बात और बढ़ेगी। ऐसे ही अगर बच्चे हैं और आपके बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको भी आप समझाते हैं तो वो बहस बढ़ती चली जाती है। तो आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, फैमिली में भी सिखाएं कि देखो एक बात है ना, ऐसा नहीं है कि टेंशन सिर्फ पति को होती है या टेंशन सिर्फ वाइफ को होती है। टेंशन भगवान की कृपा से उतार चढ़ाव है, हो सकता है कभी पति टेंशन में हो, सकता है कभी वाइफ टेंशन में हो। अब बंदा ऑफिस गया हुआ है, ऑफिस से जाना आना, ऑफिस में बॉस क्लाइंट, काम पूरा हुआ नहीं हुआ, कहाँ पेंडिंग पड़ा, कितनी परेशानी में बेचारा घर आ रहा है, कहता बॉस रुकने को कह रहे थे या कोई परेशानी थी, फिर भी घर आ रहा है, अपनी बीमारी में ऑफिस जा रहा है ना, ये चीज़ें हैं। तो उसके बाद घर आ रहा है, सोचता है 2 मिनट सुकून मिले, वहाँ पे मतलब आते ही बहस शुरू होगी। तो ऐसा नहीं है कि, और लेडीज़ को टेंशन नहीं होती, लेडीज़ को 10 तरह की टेंशन है, आज दूध फट गया, आज मेहमान आने वाले हैं, आज सफाई नहीं की, आज कपड़े धोए, आज मैं थक गई हूँ। दोनों की तकलीफ़ें अपनी अपनी जगह हैं, तो दोनों ही लोग अपने अपने काम को अच्छे समझ लें और एक दूसरे की फीलिंग को अच्छे से समझ लें कि यार परेशान मैं ही नहीं हूँ, सामने वाला भी सकता है। मतलब मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊँ ना, इंडिविजुअल अगर सब लोग अपना अपना देख लें ना, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दूसरे पे डिपेंड ना रहें तो लाइफ ज़्यादा अच्छी हो सकती है। बजाय इसके कि आप घर में आके हुक्म जमाओ कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो यार अगली भी सुबह से लेकर शाम तक घर में लगी हुई, उसकी पर भी परेशानियाँ होंगी। तो कई बार मूड आपका ख़राब होगा, कई बार मूड उनका ख़राब होगा, कभी कभी दिन ऐसे आएंगे हो सकता है दोनों का मूड ख़राब हो, तो 2 बातें वो बोलें, 2 बातें आप बोलो चुपचाप सुन के। उस टाइम सबसे ज़्यादा सोचना है वो ताबीज़ वाली बात याद करनी है आपको, जब भी आपके घर में लड़ाई हो, कभी कोई परेशानी हो तो ताबीज़ की याद करो। ये देखो आपके घर में आप होगे या 2-3 आपके फैमिली मेम्बर ही होंगे ना, बच्चे होंगे, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है कि मैंने अगर अपनी वाइफ की बात सुन ली, वो बोली जा रही है, तो बड़ा उसमें मैं ही हुआ, सुनने वाला बड़ा हुआ, बोलने वाले ने जो बोलना था बोल दिया, लेकिन सुनने वाला बड़ा हुआ कि सुनने वाले के अंदर इतनी सहन शक्ति थी कि उसने समझा कि मेरी वाइफ है अभी किसी टेंशन में है, किसी प्रेशर में है, बेचारी बोल रही है, सुन ले यार, अब बहस करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगली परेशान होगी कोई ना कोई कारण। जब आप किसी की फीलिंग को समझते हो और आप शांत रहते हो या आप कंडीशन को मैनेज करने की कोशिश करते हो, तो बड़े छोटे आप नहीं होते, बड़े आप ही होते हो। उसमें सुन के कोई बड़ा छोटा नहीं होता, क्योंकि आदमी का नेचर होता है कि मैं क्यों सुनूं, अरे यार सुनने वाला हमेशा बड़ा होता है। बोलने वाले को क्या, बोलने वाला तो बोल के अपना ख़त्म कर ही देगा, जो भी उसके अंदर बवाल था उसने बोल दिया,
जो उसने कर्म करने थे ना कर दिए, लेकिन सुनने वाला बहुत बड़ा होता है। तो मैं तो हाथ जोड़कर आप सभी से या कहीं पे भी यही विनती करना चाहूँगा कि कोई सामने से अगर आपको बोल रहा है तो आप शांति रखें, चुप रहें, क्योंकि देखो कंडीशन कुछ हो सकती है। जैसे दीदी की बात करूँ, कुसुम दीदी की, तो अपने पति के बारे में बता रहे हैं कि 6-7 साल शादी को हो गए हैं, लेकिन 2 साल से होता है। हो सकता है 2 साल से कोई परेशानी आ रही हो, ऑफिस में कोई परेशानी हो, क्योंकि 2 साल हमेशा शुरू से ऐसा नेचर नहीं था ना, अभी चेंज हुआ है। तो आप कोशिश करो कि उनकी परेशानी जानने की, कि उनके ऑफिस में कुछ हो गया है या कोई दिक्कत चल रही है या फैमिली में कोई दिक्कत है या उनके साथ के जो लोग हैं उनका गलत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बंदा प्रेशर निकालेगा अपना। तो आप उन चीज़ों को समझो, उनका सहयोग दो, उनको समझाओ और चीज़ से उनको बाहर निकालो, बजाय इसके कि ऑफिस में वो उन लोगों से लड़ें और घर में आके आपसे लड़ें तो दिक्कतें और बढ़ती चलेंगी। तो मेन होता है कि किसी की भी परेशानी या इरिटेशन है उसको समझना, कि वो परेशानी कहाँ से खड़ी हुई है, क्यों हुई है, कारण क्या है, उसको समझ के उनका सहयोग करना। क्योंकि परिवार खुश रहेगा जब ही हम खुश रह पाएंगे, नहीं तो लड़ाई झगड़े में, चिड़चिड़ाहट में परेशानियाँ ज़्यादा होंगी तो उससे दिक्कत आ सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा कुसुम जी, जो मेरी अपनी राय थी मैंने आपको बता दी, फिर भी आपकी अगर कोई और समस्या हो जो अगर आपको ना ये हो, तो बस एक ही बात याद रखना कि ताबीज़ वाली बात याद रखना, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों को यही बात याद रखनी है कि अगर जिसको घर चलाना है वो अपने ताबीज़ को याद कर ले बाबा जी के, कि ताबीज़ दांत के नीचे दबा ले। जितना ज़्यादा बंदा चुप रहेगा उतने ज़्यादा लड़ाई के चांस कम से कम होते रहेंगे, मतलब मूल मंत्र की बात करूँ मैं, चांस कम से कम होंगे। अगर आप चुप रहेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे बातों का, तो कम से कम अगर रिप्लाई करना है तो बातों का अंत ही नहीं है। तो लड़ाई झगड़े मियाँ बीबी के, दोस्तों के, सबके बीच में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो उन बातों पे ध्यान ना देके आप ये ध्यान देंगे हमें रिश्ते निभाने हैं तो रिश्ते ज़्यादा लंबे और शांति चलेंगे। क्योंकि इन चीज़ों के बड़े नुकसान होते हैं, आप मतलब घर में भी परेशान, ऑफिस में परेशान, वाइफ आपसे परेशान, बच्चों से परेशान, बाहर दूध वाले से परेशान, सब्जी वाले से तो परेशानियाँ बढ़े, इरिटेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपके शरीर में बीमारियाँ आ सकती हैं। वो एक साइंस अलग है कि शरीर दुखी रहेगा तो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आएंगी, घर में नेगेटिव एनर्जी रहेगी, सब चिड़चिड़ापन रहेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं तो कहूँगा हमेशा पॉजिटिव रहिए आप, और सिर्फ ताबीज़ वाली याद रखिए कि ताबीज़ जब घर में लड़ाई शुरू हो कोई भी बोले तो अपना ताबीज़ दांत के नीचे दबा लिया। मेरी ये पर्सनल राय थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किसी के पास अच्छा सुझाव हो इस चीज़ को लेकर तो वही कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को नमः शिवाय।